देखिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों को हल करने के लिए, क्या कर रहे हैं हल कर रहे हैं, इस समीकरण को हल करना है। बिहार बोर्ड मैट्रिक में इस तरह बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग देखते हैं इसको बारीकी से कैसे बनाएंगे। इसको ना आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, और इसको क्या मान लीजिए समीकरण, ठीक है ना। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपको दे जो दो समीकरण के रूप में होते हैं, समीकरण एक और समीकरण दो मानिएगा, और कोशिश करते हैं इसको हम लोग क्या चीज हल करने के लिए, विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। और विलोपन विधि का रूल होता है कि किसी एक पद को, जिस पद को हमें काटना होता है उस पद को हमें बराबर करना होता है। क्या करना होता है? और मान लीजिए कि हमें इसे काटना है, तो इसमें पी से गुना करेंगे, इसमें क्यू से गुना करेंगे, तो पी क्यू वाई और पी क्यू वाई होगा कि नहीं होगा। Yes, समीकरण एक में क्यू से कर देंगे, सॉरी पी से, और इसमें क्या से कर देंगे, पी से कर देंगे, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण एक गुने पी प्लस दू गुने क्यू करने पर, ध्यान दीजिए प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, तो दो किसिम चिन्ह होगा तो जोड़ने पर लिखते हैं ताकि दोनों कट जाए, एक किसिम चिन्ह होता था घटाने पर लिखते हैं ताकि चिन्ह चेंज कर सके, ठीक है ना। अब गुना कीजिए पी से पी में कीजिए तो पी एक्स वाई, प्लस पी से क्यू वाई में कीजिए तो पी क्यू वाई, पी से पी में कीजिए तो पी एक्स वाई, पी से क्यू में तो इसमें कीजिए क्यू से क्यू एक्स में कीजिए तो क्यू स्क्वायर एक्स, माइनस क्यू से पी वाई में कीजिए तो पी क्यू वाई, अब बराबर पी क्यू प्लस क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब ये तो कट गया, अभी दोनों में देखिए दोनों को सही तरीका से लिख लीजिए एक बार, ठीक है, प्लस के रूप में लिख लिए, ये दोनों का काम होगा तो ये दोनों कटेगा, क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस में कटी में जवाब कोई दिक्कत, ये दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, तो बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू हमको निकालना है, एक्स बराबर जो वैल्यू दाहिना तरफ है वो लिखेंगे, और जो गुना में वो दोनों काटे कितना आएगा, यानी x बराबर 1 आया होगा, क्लियर है। अब x का मान आप समीकरण एक ना तो दो कॉलम में रखिए, y का मान आपका खुद आ जाएगा, तो हेडिंग लिख दीजिए x का मान समीकरण एक में रखने पर, ध्यान से देखिए बाबू हल्ला मत कीजिए, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, एक्स का मान 1 है तो पी इंटू 1 प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, और ये पी को इधर घटेगा तो क्या होगा माइनस पी, जोड़ से इधर कथी में चल गया घटाओ में, पी से पी करके क्या हो गया जीरो, और देखिए वाई का मान निकालेंगे तो माइनस क्यू है, ये गुना से कथी में चल जाएगा, पी से क्यू कट गया तो वाई बराबर क्या आया माइनस वन। हल करने का मतलब हुआ एक्स वाई का मान आपका आ गया, अतः एक्स बराबर क्या है आपका वन तो वाई बराबर, कोई दिक्कत नोट कीजिएगा। देखिए इस समीकरण को, इसे भी हल करना है। अच्छा इस समीकरण को कहते क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब इसे हल करना है, और हल करके इसमें क्या चीज का मान निकाला होता है हमें एक्स और वाई का, तो हम पहले क्या करते हैं समीकरण एक और समीकरण क्या मान लेते हैं दो, और कोई एक पद को हम विलोप करते हैं, यानी कि काटना चाहते हैं काटने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसको काटने की कोशिश करें तो इसमें हम ए से गुणा करेंगे क्या, और इसको काटने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, और दोनों चिन्ह अगर बराबर हो तो हम क्या करने पर लिखेंगे, ठीक है ना, इसमें ए से गुणा कर दीजिए, इसमें कितना कर दीजिए, लिखिए हेडिंग यहाँ पे समीकरण एक गुने ए माइनस दो गुने बी करने पर, शांति से देखिएगा ए से ए में कीजिए ए स्क्वायर, एक्स बगल में है, ठीक है, ए से बी वाई में कीजिए ए बी वाई, और क्या हो जाएगा ये ए सी, फिर बी से बी एक्स में कीजिए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, ठीक है, बी से वन में बी प्लस बी सी होगा कि नहीं होगा बाबू, घटाने पर लिखे तो चिन्ह सब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ऐसे ही कट गया ना बाबू, अब देखिए कट गया तो क्या हो गया, दोनों का ही पहले सीरियली सजा लीजिए, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर, लिखिए इसको ए सी माइनस बी माइनस क्या होगा बी सी, ये दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, क्या बचेगा एस टू माइनस, कोई दिक्कत, अगर बाबू ए में से दोनों में से हम क्या कॉमन लेते हैं सी कॉमन लेते हैं, सी एक साथ पहले लिखते हैं ए सी माइनस बी सी या माइनस क्या हो गया बी, ठीक है ना, एक्स इंटू अगर इसको क्या लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला भी इसका होता है बाद में डाल देंगे,
ये दोनों में से क्या ले लें, सी, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी, और माइनस में क्या साइड में है, बी, तो खाली एक्स का मान निकालना चाहे तो सी इंटू ए माइनस बी, और माइनस बी अब बटा में कथी होगा ए स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत, आपका एक्स का मान इतना भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स का मान रखिए समीकरण एक में, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर क्या समीकरण एक, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ए एक्स का मान क्या रखना है हमको, सी इंटू ए माइनस बी अब बाटा में ए स्क्वायर माइनस बाबू अब प्लस हो जाएगा बी वाई बराबर क्या जाएगा सी, ध्यान दीजिएगा तो ए से हमें गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत, ए से हमें गुना कीजिए तो क्या हो जाए, ए सी इंटू ए माइनस बी, फिर a से b में गुना कीजिए तो माइनस ए बी हो जाएगा, और बटा में कहती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस में है बी वाई बराबर क्या है सी, तो हम खाली बी वाई का मान इन्हें निकाल रख देते हैं, क्योंकि y का मान हमको निकालना है, तो y का मान जब निकालना होता है तो जिस पद का मान निकालना होता है उसको बराबर के ए को रखते हैं, और जिसका नहीं मान निकालना होता है सबको बराबर के दूसरी ओर हल कर लेते हैं, कैलकुलेशन उसका कर लेते हैं, तो सी इधर है आई सब जोड़ में क्या चिंता जाए घटा, तो माइनस में कर लीजिए ए सी ए माइनस बी माइनस ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी टोटल चलाया कथी में माइनस, तो बी वाई बराबर एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा एलसीएम ए स्क्वायर माइनस, इससे गुना हो जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, होगा बाबू ए से में गुना कीजिए तो कथी होगा ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, पर ऐसे माइनस माइनस प्लस ए बी सी होगा बाबू, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस क्या होगा ए बी होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी कटेगा, और कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तब बी वाई बराबर कथी बचेगा बाबू माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी अब आगे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी, कोई दिक्कत, इतना नोट कीजिए फिर इससे आगे बताते हैं, देखिए y का मान क्या कर लीजिए यहाँ पे, आप b गुना पे क्या ले जाइए नीचे, इस समय से b पहले ले लीजिए, b कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ये माइनस बी सी प्लस ए सी अब प्लस क्या होगा a, अब बाटा में b चल जाएगा तो b इंटू ए स्क्वायर माइनस b से b खत्म, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बटा ए स्क्वायर माइनस, ये आपका क्या चीज का मान हो गया y का मान हो गया, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन को भी इसी तरह हल करना है और एक्स वाई का मान निकालना है, हेलो याद है वो तो सब देखो आप, इस क्वेश्चन को भी हमको वैसे ही हल करना है और एक्स वाई का मान निकालना है, तो एक बात बताओ ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण क्या है दो, लेकिन इस समीकरण भिन्न संख्या के रूप में है, बटा के रूप में है ना, लेकिन ये रैखिक है, क्या है रैखिक, एक लाइन में, तो इसको भी क्यों ना रैखिक में बदल ले, कोई दिक्कत, तो इसको समीकरण एक से समीकरण एक से चाहे समीकरण एक को लिखिए क्या, एक्स बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर जीरो, दोनों का एलसीएम क्या होगा बाबू ए, ए से ए खत्म बी यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा बी ए, प्लस बी से बी खत्म क्या हो जाएगा ए वाई, माइनस में होगा बीच में और क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए वाई बराबर जीरो से जिस संख्या में गुना होगा तो क्या होगा समीकरण क्या हो गया तीन, कोई दिक्कत, अब देखिए तो यह रैखिक में हो गया, अब इसका काम कर दीजिए ठीक है ना, अब इसको काट लीजिए तब नहीं तो इसको काट लीजिए, तो इसको काटिएगा तो इसमें ए से गुना कर दीजिए, इसमें क्या सकिए इसमें कर लीजिए आप ए से इसमें कर लीजिए बी से, यानी कि शांति से देखिएगा समीकरण दो गुने ए प्लस क्या करेंगे तीन गुने बी करने पर, ध्यान दीजिएगा बहुत ईजी है लेकिन बहुत वी वी आई भी है, ए से एक्स में करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई होगा बराबर ए क्यू ए बी स्क्वायर होगा बाबू, अब इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर एक्स माइनस क्या होगा ए बी वाई बराबर क्या होगा जीरो, कट गया ही जोड़ने पर लिखे हैं चीन चेंज नहीं कर, तो चलिए दोनों को सीधा कर लिख लीजिए ए क्यू प्लस ए बी, एक्स कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बाबू होगा बी स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो ए क्या होगा ए स्क्वायर प्लस होगा कि नहीं होगा, एक्स बराबर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब गुना है इधर तो बाटा भेज दीजिए ए स्क्वायर प्लस ऐसे पूरा ये क्या आया एक्स बराबर ए आया कि नहीं आया, चलिए एक्स का मान डाल दीजिए
समीकरण दो में डाल दीजिए, दो में रखने पर संगम दो किधर है ठीक है। शांति से रहिए, हल्ला कीजिए तो फिर करवा है सब चीज। ए एक्स का मान आपका क्या है, ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर घट के जीरो हो जाएगा। अब वाई का मान हम निकालना चाहे तो बी स्क्वायर ने हल ही है, गुना में रखने आ गया, ए से वो खत्म, वाई में रखने आ गया बी। अतः क्या हुआ बाबू, एक्स बराबर ए कमा वाई बराबर क्या हुआ, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, लौट कीजिए।